तो हेलो नाज, तो मैं आपका भाई रजनीश। मैं आज आप लोगों को एक 12 वोल्ट की बैटरी बनाना सिखाऊंगा, और 12 वोल्ट की कैसी बैटरी बनाते हैं वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों को एक BMS की ज़रूरत पड़ेगी, 20 एम्पेयर की, ठीक है। ये BMS है अपना 12 वोल्ट का, 20 एम्पेयर का ये BMS है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा वेरिफिकेशन इसका दिख जाएगा, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्राउंड लगेगा, 4.2 वोल्ट लगेगा, 8.4 वोल्ट लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पे आपका 12.6 वोल्ट लगेगा, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से इसके कनेक्शन होंगे। और यहाँ पे हमने बैटरीज को कुछ सीरीज़ में लगा रखा है, दो दो बैटरी को पैरेलल में करके, जैसे प्लस माइनस आपस में, ये देखो हमने शॉर्ट कर रखे दोनों बैटरीज के, ये देखिए प्लस 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 एक में करके हमने यहाँ पे चार बैटरीज यूज़ करा है, फिर यहाँ पे माइनस 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 चार बैटरीज यूज़ करा है, फिर प्लस 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 चार बैटरीज यूज़ करा है। तो इसमें हमने इसको सीरीज़ में लगाया है। इसका इसका जो यहाँ से ये प्लस वाला हिस्सा देखेंगे आप, कट का निशान बना हुआ है, तो यहाँ से इसका ग्राउंड यहाँ पे निकलेगा। यहाँ पे जो है ये हमने इसका ग्राउंड जो है इसके दूसरी बैटरी के प्लस वाले से शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कट बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे कोई कट नहीं बना हुआ, यहाँ पे हमने इसको आपस में शॉर्ट कर दिया। फिर यहाँ से जो इसका माइनस निकलेगा दूसरी बैटरी का, उसको हम यहाँ से पीछे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हमने इस ये देखिए माइनस गोल गोल एकदम है प्लेन, तो इसको हमने इसके प्लस वाले में हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो यहाँ पे हमने जो इसको अटैच कर दिया था, फिर इसका जो सीधा यहाँ से निकलेगा अपना, यहाँ पे देखिए ग्राउंड है, और यहाँ से सीधा अपना 12 वोल्ट आपको मिल जाता है, ठीक है मेरे भाइयों। और ऐसे इसी प्रकार से इसके कनेक्शन होंगे। तो नॉर्मल सी वायरिंग है, देखिए ग्राउंड हमने यहाँ से लेना है, 12 वोल्ट हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे 8 वोल्ट मिलेगा अपने को। ग्राउंड से हम वायरिंग शुरू करते हैं हमेशा, जब वायरिंग करेंगे दोस्तों तो हमेशा ग्राउंड से करेंगे। ये देखिए हमने ग्राउंड वाला वायर है, ये जो BMS का यहाँ पे ग्राउंड है, पीछे आप देखेंगे यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, तो इस ग्राउंड में हमने इसको लगा देना है, ठीक है। आग बंद करके आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, आपको वायरिंग करने में कोई दिक्कत होती हो तो स्क्रीनशॉट भी आप भेजिए, खींच सकते हो। तो अब ये देखिए ये ग्राउंड वाला वायर हमने लगा दिया है। अब करेंगे हम इसके 4.2 वोल्ट के कनेक्शन। तो ग्राउंड वाला वायर जहाँ से हमने लगाया है बैटरी का, वहाँ से आप यहाँ पे सीधा ऊपर आएंगे। ये ग्राउंड वाला वायर देखिए हमने इसमें लगाया, यहाँ से सीधा ऊपर आएंगे, यहाँ पे हमने एक वायर छोड़ रखा है, यहाँ पे आपका 3.7 वोल्ट निकलता है बैटरी का, तो यहाँ पे अपना 4.2 वोल्ट मिलेगा आपको चार्जिंग के लिए, जब आप बैटरी चार्ज करोगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ पे 4.2 वोल्ट के कनेक्शन कर लिए हैं, और ये सीधा ग्राउंड वाले के ऊपर वाली जो बैटरी थी उस पर हमने लगाया है। अब जो बचा इसका 8.4 वोल्ट, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 8.4 वोल्ट है ये। तो 8.4 वोल्ट जो है, हम इस बैटरी को देखिए, जहाँ पे हमने 3 वोल्ट लगाया है, यहाँ पे हमने ये दो बैटरी शॉर्ट कर रखी है। इसका जो माइनस है, अब इसके प्लस में जो निकलेगा हमारा, वहाँ पे 8.4 वोल्ट आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये वायर जो है हमने छोड़ रखा है, ये वाला वायर जो है हम यहाँ पे लगा देंगे 8.4 वोल्ट पे। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने 8.4 वोल्ट पे लगा दिया है ये वाला वायर। तो ये वायर जो है सीधे यहाँ पे जो हमने शॉर्टिंग किया था, अब यहाँ से जो है हमने शॉर्ट करा है ए सीधा 12 वोल्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से एक वायर ये देखिए इसका प्लस माइनस जो है अटैच हो रखा है, यहाँ पे हमने शॉर्ट कर रखा है। अब इसके सीधा ऊपर आएंगे हम, तो यहाँ पे हमको पूरा अपना 12 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इसके सीधा यहाँ पे 12 वोल्ट हमको BMS पे लगा देना है। तो दोस्तों कनेक्शन पूरे हो चुके हैं, BMS अपना रेडी हो चुका है, ये बैटरी भी अपना लग चुका है। तो मैं अब BMS को जो है वोल्टेज आप लोगों को चेक करा देता हूँ मल्टीमीटर।